आप सबका बहुत ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर। एक दफा फिर से आप सबको बहुत ज्यादा हमारी तरफ से खुशियाँ मिले, खुशियाँ मिले। हम चाहते हैं, हमारी दुआ है कि हमेशा आप मुस्कुराते रहें अपनी लाइफ में, अल्लाह ताला आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो यार आज की जो वीडियो है बड़ी हम इंटरेस्टिंग सी वीडियो है। इस वीडियो में कुछ यूं है कि भाई एक इंडियन है, उन्होंने पाकिस्तानी मार्केट विजिट की है। वो चीजें जो इंडिया में 30 रुपए की मिलती है, यहाँ पे 200-400 रुपए की बेच रहे हैं ये वाले। तो वो विजिट करके हमें बताने वाले हैं कि इंडिया में असल में क्या प्राइस है और पाकिस्तान में वो किस रेट में बेच रहे हैं, या क्या वो असल में हैं भी, या फिर बस मेड इन इंडिया ऐसे ही अपने पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पे लगा के बेचे जा रहे हैं। ऐसा करते वीडियो को देखते हैं। वीडियो को देखेगा सहेब भाई की वीडियो, वो भी जाके जरूर देखेगा। देखते आज फिर ये हमारे मेहमान आए हैं इंडिया गुड़गांव से। माशाल्लाह, हम भी इंडिया गए हैं। अच्छा, आप इंडिया गए, आप कौन से? माइग्रेट हुए हैं जबरदस्त शाहपुर से। देखे ये देखे, और अभी ये पहले हम शख्स से यहाँ पे मिले हैं, उन्होंने बोला हम भी इंडिया से, और हम शायद पाकिस्तान से भी वहाँ जाए तो वो भी गए, हम भी पाकिस्तान से। सबसे बड़ी चीज दो माइग्रेंट्स। आप अगर दिल्ली की बात करें या अपने एरिया की बात करें, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट क्या चार्जेस ले रहे हैं, और क्या आप कहना चाहेंगे इसके ऊपर, क्या कहना चाहेंगे थोड़ा सा ये भी कंपैरिजन? मतलब देखिए, हमारे दिल्ली के केजरीवाल साहब तो आपके यहाँ बहुत फेमस हैं, बिल्कुल आम आदमी पार्टी, फ्री बिजली के मामले में। और बाकी स्टेट की भी बात करें तो जो हमारा पर यूनिट जो होता है चार्जेस, वो डोमेस्टिक आती है 4 से 6 रुपए पर यूनिट ओनली। अच्छा, और जो कमर्शियल होती है वो 7-9 अलग अलग स्लैब के हिसाब से, बट मैक्सिमम 8 रुपीज से ऊपर कमर्शियल नहीं जाती। अच्छा, है कि जो कैटेगरी बिलो पॉवर्टी लाइन, मान जिनकी जो 2 लाख से कम इनकम है या 2,50,000 से कम इनकम है, वो बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, उन्हें हर महीने राशन का भी फ्री मिलता है। अच्छा, गंदम चावल और ये सब। मैं इस चीज पे, क्योंकि मेरा काम है इंडिया पाकिस्तान के ऊपर जो सी जो भी डेवलपमेंट होती है उसके ऊपर हम अपना वीडियोस करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, और मैं मुझे ये भी पता है कि इंडियन जो उनसे अपनी बिजली को वो सेल करने जा रहे हैं, या मतलब वो प्रोजेक्ट बांग्लादेश को ऑलरेडी वो कर रहे हैं इंडिया में, यही प्लेट मतलब एक दर्जन है, इसका क्या रेट है वहाँ पे? देखिए डिपेंड करता है कि हम खा कहाँ पे रहे हैं। ठीक है, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो वहाँ 50 रुपीज का होता है पर दर्जन एक प्लेट। यस, मनु भाई ये देखे जी, मोहब्बत चेक करें, ये मोहब्बत चेक करें, बिस्मिल्लाह मोहब्बत चेक। अपने होंडा सिटी छोड़िए, मैं आपको फॉर्चुनर की कॉस्ट बता रहा हूँ। जी जी, न्यू फॉर्चुनर की 32 लाख। अच्छा, और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि 32 लाख की आपको वैगन आर, मतलब जो सुजुकी वैगन आर है वो ऑलमोस्ट इतने की मिलती है। और मेरे पे तो इल्जाम भी है कि मेरे पास फॉर्च्यूनर है, आपने शायद वीडियो देखी हो, फॉर्च्यूनर है या फॉर्च्यूनर है हमारे। हमने नहीं पहुँचाई थी वो, हमने नहीं पहुँचाई। देखिए जो कारीगरी है वो आप लोगों के पास है, वहाँ नहीं है, चलते सब कुछ है, ठीक है, मैरिजेज वगैरह में पहने जाते हैं नॉर्मल डेज में भी, बट जो एक्चुअल में इसमें कारीगरी हुई है तिल्ले की है, ये सब चीजें। अच्छा, अब एक सरप्राइज हम इस तरीके से करेंगे, बाइक्स बहुत कम मिलती हैं क्योंकि वहाँ की बाइक्स वहाँ पे, वो उसके पीछे रीजन ये है कि गाड़ियाँ सस्ती हैं हमारे यहाँ पे, बहुत सस्ती हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन वो जदीद मतलब जरा मॉडर्न किस्म की बाइक्स, वो फिर हायाबूसा टाइप बच्चे जो यूज करते हैं, शौके यूज करते हैं, ठीक हो गया। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ पे अपनी है, अपनी है। देखिए तो, सबसे बड़ी मैं अगर ओपनली कहूँ, आज इंडिया अगर दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है तो उसकी मेन जो रीजन है ये है कि वो मेड इन इंडिया को प्रमोट करते हैं। ड्राई फ्रूट के मामले में आपके रेट्स बहुत ही सस्ते हैं क्योंकि आपके अच्छा अफगानिस्तान का इतना अच्छा, और ये अंजीर वगैरह इतना देखिए सब चीजें मिल रही हैं, बट ये इसे उधर अंजीर कहते हैं जी, अंजीर क्या रेट वहाँ पे चल रहा है वगैरह भी। अगर मान लीजिए कि हम अच्छे अखरोट की बात करें तो जो ऐसे टूट जाते हैं हाथ से तो वो लगभग 500 पर केजी होते हैं वहाँ पे। और क्या पर केजी कितने रुपए किलो है? क्या 800 रुपए किलो? 800 रुपए किलो, वो उस हिसाब से तो फिर बहुत सस्ता है जी। तो दोस्तों मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। मेरे साथ मौजूद हैं मन्नू मेहता भाई जो कि इंडिया गुड़गांव से आए हैं। इनके साथ एक एपिसोड आपने मेरा देखा होगा और मैंने उसी एपिसोड में वादा किया था कि एक इंडियन को हम अनारकली का विजिट करवाएंगे, यहाँ के जो स्टॉल्स हैं वो दिखाएंगे लाइव। हम ऐसा कोशिश करेंगे, पहली दफा ऐसा होगा कि एक इंडियन जो है वो कैमरा के सामने ना सिर्फ अनारकली का विजिट करेगा, आप लोगों को भी दिखाएंगे यहाँ पे खाने पीने के जो स्टॉल्स हैं उनके क्या रेट हैं, यहाँ पे जूते बिल्डिंग
बिल्डिंग्स, खासतौर पे बैंक ऑफ इंडिया यहाँ लाहौर में मौजूद है, एक बिल्डिंग उसकी मौजूद है, कोशिश करेंगे कि वो भी आपको विजिट करवाएं। और भी बहुत सी चीज़ें हैं दिखाने के लिए, अनारकली की बिल्डिंग आपको दिखाएंगे, यहाँ पे जो मंदिर है, जो चीज़ हम इस एपिसोड में कवर कर सके वो जरूर करेंगे। तो आइए मेरे साथ, मन्नू भाई आर यू रेडी? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे आज। अभी मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ कि ये अनारकली बाजार स्टार्ट हुआ, वैसे तो रोड के उस साइड पे भी अनारकली है, लेकिन ये यहाँ पे जो स्टॉल है बहुत फेमस स्टॉल है ये यहाँ का, मतलब अनारकली बिल्कुल ऐसे ही है ये अनारकली। और फूड स्ट्रीट पे अभी हम जाएंगे, ये हाफज बल्ले कार्नर है, इनके खास तौर पे जो है वो गोल गप्पे बहुत फेमस होते हैं। टेस्ट भी करने चाहिए। अच्छा, टेस्ट भी करेंगे क्योंकि हम चाहेंगे कि यहाँ पे। ठीक है, आजिए 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 आजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं अंकल जी? ठीक ठाक है। ये हमारे मेहमान आए हैं इंडिया, गुड़गांव से। माशाल्लाह, हम भी इंडिया गए हैं। अच्छा, आप भी इंडिया गए? आप कौन से? माइग्रेट हुए हैं। जबरदस्त, शाहपुर से। देखिए ये देखे, और अभी ये पहले हम शख्स से यहाँ पे मिले हैं, उन्होंने बोला हम भी इंडिया से, और हम शायद पाकिस्तान से भी वहाँ जाए तो वो भी गए, हम भी पाकिस्तान से। सबसे बड़ी चीज, दो माइग्रेंट्स जो यहाँ से गए और जो वहाँ से आए हैं, हो गया। अच्छा, यही कट गए। हाँ, फिर हमें थोड़ा सा आप गोलगप्पे या कोई दही भल्ले क्या टेस्ट करना चाहिए? जो भी यहाँ का बेस्ट है हम थोड़ा जी जरूर। ठीक, बस एक एक बस हल्का सा हम टेस्ट करेंगे। और ये देखें यहाँ का, एक तो आपने ईमानदारी से, ये नहीं अक्सर ये होता है कि भाई किसी भी स्टॉल पे हम खाते हैं और फिर ये कहा जाता है जबरदस्त जबरदस्त, खास तौर पे जब फ्री का खाएं, तो आपने सच बताना है जैसा भी टेस्ट हुआ, बुरा लगा वो भी बता दीजिए। अच्छा, एक चीज और देखिए, यहाँ पे जो गोलगप्पे इंडिया में भी है, पानीपुरी, कई पानीपुरी वहाँ पे कहा जाता है, महाराष्ट्र में कहा जाता है, गोलगप्पे कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे उसमें भी आलू वगैरह इसी तरह का होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये सैलेड भी, एक यहाँ की खूबी है कि ये सैलेड भी मिक्स करते हैं, ठीक हो गया, जो हमारे वहाँ पे नहीं करते हैं। अच्छा, ये एक दर्जन है आई थिंक, पहले तो आप ट्राई करें, इसे ट्राई करें। ये आलू का ही, वहाँ पे आलू का भी होता है, मैदे का भी होता है, मैदे का है ये, आई थिंक आलू का, आलू का ही है ये जी, आलू का है। तो देखिए सर, इसमें हम वो सब जो यहाँ का, इसमें ये भाई ट्राई करते हैं, इनको चेक करवाऊं, जरूर स्पेशल बना के चेक करवाएं, वो आपको चेक करवाते हैं। जी 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 जी। अच्छा, मुझे ये बताएं मनु मेहता भाई, ये बताएं कि इंडिया में यही प्लेट, मतलब एक दर्जन है, इसका क्या रेट है वहाँ? देखिए डिपेंड करता है कि हम खा कहाँ पे रहे हैं, ठीक है। किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो वहाँ 50 रुपीज का होता है पर दर्जन एक प्लेट। यस, मनु भाई ये देखिए जी, मोहब्बत चेक करें, मोहब्बत चेक करें, बिस्मिल्लाह मोहब्बत चेक करें। और कैसा टेस्ट है ये? नहीं, ये भाई की बातों में नहीं आना, ये देखे अच्छी सच बोल रहे हैं जो भी। नहीं, बहुत ही रिच टेस्ट, बहुत अच्छा टेस्ट, नो डाउट, ठीक है। और ये बहुत फेमस है, बिल्कुल इनका स्टार्ट में ही ये स्टॉल है, आप किसी से भी पूछेंगे कि हाफिज गोलगप्पे, जो भी अगर कोई इंडिया से आता है या जहाँ से भी लोग देख रहे हैं, वो एक दफा यहाँ पे आके जरूर विजिट करें। भरा हुआ यानी विदाउट, ठीक हो गया। ये देखे, अच्छा मेहमान नवाजी कैसी लग रही है आपको ये चीज चेक करें, आप कैसा लगा आपको? आपकी हॉस्पिटैलिटी हम पहले ही बातें करते हैं, ठीक है। और आज खुद देख भी लिया, ठीक है भाई, हमें इतनी मोहब्बत से खुद खिला रहे हैं, ठीक है। और बड़ी बात है, आप क्या कहना चाहेंगे अगर हम इंडिया जाते हैं, हमें भी वहाँ पे ऐसी मोहब्बत, बड़ी मोहब्बत मिलती है? अच्छा, बड़ी मोहब्बत दोनों साइड पे मिलती है, आवाम जो है ना उस पर कुछ भी नहीं है, ऐसे ही हुकूमतों ने अपनी सियासी पॉलिसी में। पहले भी यही बात कर रहे थे कि भाई पब्लिक की अगर बात करें, बात करें दोनों साइड के लोग मोहब्बत चाहते हैं, मैं चाहता हूँ मैं इंडिया जाऊं, लोग ही नहीं है, हम भी नहीं है, वो भी नहीं है, ऐसे ही है, जबरदस्त है। दोनों तरफ से देखिए, आप खुद देखिए, आइए अभी पूरा बाजार विजिट करना है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें आए जी। अच्छा, आगे वो जूतों वाला स्टॉल है और इसके अलावा कपड़ों का भी स्टॉल यहाँ पे मौजूद है। थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि पाकिस्तान में हम इतना जो बाइक्स वाले हैं ना, खासतौर पे वो इसका कवानीन का ख्याल नहीं रखते, तो ये ना हो कि कोई आपको बाइक ठोक दे। मार्केट मुझे लग रहा है कि आम जो आवाम है या पीपल से यहाँ के कॉमन पीपल है उनके लिए काफी पॉपुलर मार्केट है। अच्छा, ये स्टॉल यहाँ पे जो फ्रूट का स्टॉल है, ये भी एक मिनट विजिट करते हैं, रेट वगैरह पूछ लेंगे और आप इसका फल अगर ट्राई करना चाहें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक हैं। ये मन्नू मेहता भाई आए हैं इंडिया से, हमारे पास आए हैं, तो आपका ये स्टॉल है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे मुझे? मुझे सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ठीक है, ठीक है, अमरूद आपके यहाँ पे, ठीक है, एप्पल, ग्रेप्स, क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, बट ये जो आपका ये इसे जापानी फल कहते हैं, और आप क्या कहते हैं? हमारे यहाँ पे नहीं होता, होता है यार, होता ही नहीं वहाँ, बल्कि हमें तो पहले मैं जब आया था मुझे कल ही अभी वीडियो में हमने दिल्ली में देखा था जापानी फल था, जापानी फल क्या वाकई वहाँ पे नहीं होता? जरूर बताइएगा। नहीं, मैं इस चीज का खुद कर रहा हूँ, इतने भी कड़ा बनाया, अभी बाहर चलते हैं।
ठीक है, ये तो हम मैं बिजनेस कर सकता हूँ, मतलब जापानी फल यहाँ से इंडिया भेजा जाए और वो लोग पसंद करेंगे क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो मुझे भी ऐसा लगा था कि ये शायद है ना वो होगा, ठीक होगा टमाटर होगा, लेकिन बाद में टोमेटो नहीं, मुझे फिर जब बताया गया मैंने टेस्ट किया एक अलग ही यहाँ का। अच्छा, अभी यहाँ पे हम स्टॉल देखेंगे, ये देखें ये स्टॉल है और यहाँ पे खुस्से वगैरह, और मतलब मुल्तान के खुस्से तो वर्ल्ड फेमस है, ठीक हो गया। मैं खुद लेके गया गाँव में, अगर इंडिया की बात करें वहाँ पे ये डिजाइन इस तरीके से ये डिजाइन चलते हैं। देखिए जो कारीगरी है वो आप लोगों के पास है, वहाँ नहीं है, चलते सब कुछ है, ठीक है, मैरिजेज वगैरह में पहने जाते हैं नॉर्मल डेज में भी, बट जो एक्चुअल में इसमें कारीगरी हुई है तिल्ले की है, ये सब चीजें। अब एक सरप्राइज हम इस तरीके से करेंगे, मनु मेहता भाई आपने यहाँ पे किसी भी चीज का रेट बताना है कि भाई ऑलमोस्ट ये इतने का होगा, आपने तो अपना इंडिया के हिसाब से जो आप वहाँ पे शॉपिंग करते हैं बताना है कि ये खुस्से का क्या रेट है, इस जूते का क्या रेट है, फिर हम दुकानदार से भी पूछेंगे और ऑडियंस भी बताइए कि वहाँ पे जहाँ से भी आप देख रहे हैं कि वहाँ पे इस तरह की चीज का क्या रेट है, कोई भी आप सिलेक्ट करें। मैंने आपको बताया कि मान लीजिए हम इसको ले लेते हैं, ठीक है, ये कारीगरी वहाँ पे नहीं है, नहीं, अगर मिलती मुझे नहीं है, लगता कि वो, ये देखिए कैमरे में जरा, हाँ ये देखिए जो इतनी अच्छी कारीगरी आप लोगों के यहाँ पे है, ठीक है, वो नहीं है वहाँ पे। कितने की अगर लेट्स सपोज ये खुसा अगर हम वहाँ पे ट्राई करें और लेना चाहें तो ये इंडियन करेंसी में, इंडियन करेंसी में लगभग हमें ये 1000 रुपीज का पेयर मिल सकता है, क्योंकि ये प्योर लेदर में नहीं है, मेरे को जहाँ तक समझ आ रहा है प्योर लेदर की तो और महंगी हो जाएगी, ठीक हो गया, ये 1000 to 1500 के बीच बीच में हमें वहाँ पे ये पेयर मिल जाता है, यानी कि अगर पाकिस्तान रुपीस की बात करें ऑलमोस्ट 3500 बने, यानी इंडिया का 1000 यहाँ के 35। भाई जान क्या प्राइस है आप जरा बताइएगा, क्या कीमत क्या है? ये 2500 कीमत वही सब वही आ रही है। और अभी तो अगर लेट्स सपोज अगर लेना हो किसी ने वो थोड़ी बहस करेगा और वो मतलब ये चीज नहीं, लेकिन आपके यहाँ पे ये चीज मैंने देखा है कि काफी है। अच्छी है आपके यहाँ पे। नहीं, एक चीज मैं कहना चाहूंगा ऑडियंस के लिए भी और आपको भी थोड़ा सा मतलब बताना चाहूंगा, नो डाउट अगर प्राइस कीमत एक जैसी है भी तो बाइंग पावर उस तरीके से नहीं है, ये शकरकंदी जरूर खाएंगे, टेस्ट करेंगे, उधर भी शकरकंदी इसी तरह से मिल जाता है, उसे वहाँ भी शकरकंदी कहा जाता है, ठीक है, और इसी तरह से होती है, ठीक हो गया। पर रेट है, रेट क्या है, मतलब एक प्लेट का क्या इंडिया में रेट मिलता है? देखिए प्लेट का ये छोटी प्लेट में अलग रेट है, अगर हम इसे पाइया के हिसाब से लें, ठीक है, तो वहाँ हमें लगभग ये मान लीजिए कि 40 रुपीज की एक प्लेट तैयार कर रहे हैं भाई जान, इसका वहाँ पे क्या रेट है? 20 रुपीज, 20 रुपीज इससे भी थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी हो सकती है, 20 रुपीज होते हैं, ठीक है। तो भाई जान ये कितने की प्लेट है वैसे पूछ रहे हैं? 50 की हिसाब है, लेकिन वो रेट तो वही आ जाएगा करेंसी के हिसाब से, सेम करेंसी के हिसाब से टेस्ट भी करेंगे। भाई जान ये आप जरा एक लगा दें हमें भी, ठीक है। अच्छा क्या कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों के, जो एक मतलब होता है ना कि एक मेंटेलिटी जो आपने थोड़ा बहुत देखा हो, और यहाँ पे बाजार का जो उनसा एक शेप कह लें स्ट्रक्चर कह लें, कोई थोड़ा डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? सर बाजार की जहाँ तक बात है सोहेब भाई, ये बाजार में देखते ही बताया कि बहुत ही कॉमन पीपल्स के लिए, मैं आपको ऐसा होगा एक सदर बाजार की बात करूँ तो सदर बाजार में आप पूरा का पूरा आप समझे कि जो डेरा गाजी खान से लोग गए थे वो आज इसी तरह से बात करते हैं। अच्छा ये जो बाइक्स हैं, ये कैमरामैन अगर बाइक्स दिखाएं, ये बाइक्स भी मैंने जो सुना है जो मैंने देखा है कि भाई वहाँ पे इस तरह की बाइक्स चलती नहीं है, ये तो बहुत पुराने दौर की बाइक्स हैं, क्या कहेंगे ये बाइक्स वहाँ पे आपको देखने को ऐसे मिलती है? बाइक्स बहुत कम मिलती है क्योंकि इस तरह की बाइक्स वहाँ पे, वो उसके पीछे रीजन ये है कि गाड़ियाँ सस्ती हैं हमारे यहाँ पे, बहुत सस्ती हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन वो जदीद मतलब जरा मॉडर्न किस्म की बाइक्स, वो फिर हायाबूसा टाइप बच्चे जो यूज करते हैं, शौके यूज करते हैं, ठीक हो गया, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ पे अपनी है, अपनी है। देखिए तो सबसे बड़ी मैं अगर ओपनली कहूँ, आज इंडिया अगर दुनिया की पांचवी बड़ी इकॉनमी है तो उसकी मेन जो रीजन है वो ये है कि वो मेड इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, वहाँ पे अपनी उनकी मैन्युफैक्चरिंग है। ये देखें आज हम अपना ये इस टॉपिक के साथ साथ फूड व्लॉगिंग भी कर रहे हैं, ये कैमरा मैन, अगर कैमरामैन करीब से दिखाएं किस तरीके से वो जो सा वो बनाया जा रहा है, और ये इस टाइम हमारी जो प्लेट है शकरकंदी की वो तैयार हो चुकी है और आपको आज पाकिस्तान की शकरकंदी खिलाई जाएगी, ठीक हो गया जी, लाएं और इन्हें ये ट्राई करें, ये लीजिए आप भी लीजिए पहले तो मैं तो खाता रहता हूँ ना इधर से, नहीं नहीं हम भी इकट्ठे मिलके खा रहे हैं ना आज, कम से कम ये है ना कि ये ले कैसा लगा? भाई जान ये किसने आप पेमेंट कर रहे हैं? अच्छा ठीक हो गया, ये सेम टेस्ट है वही का वही बिल्कुल उसी तरह से,
इन्होंने इसमें चटनी डाली हुई है, ठीक है। और लें ट्राई करें और खाते खाते हम आगे चलते हैं। और भी बहुत सी चीजें हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब मुझे, मैंने आपको जैसे स्टार्ट में वीडियो, हाँ नहीं नहीं कोई मसला नहीं, आप भी साथ लें। वीडियो के स्टार्ट में मैंने बोला था कि आपको बैंक ऑफ इंडिया जो यहाँ पे बिल्डिंग मौजूद है वो दिखाएंगे, आपको अनारकली की जो बिल्डिंग है वो दिखाएंगे। ये जो एरिया है, ये एरिया समय किन लोगों के पास? वीडियो तो यार मजा आ गया वीडियो देखने, सच्ची में। एक इंडियन जो है खास तौर पे पाकिस्तान में आए हैं, गुड़गांव से आए हैं। गुड़गांव में आपने देखा था ना कितना ज्यादा डेवलप्ड वो एक सिटी है, बहुत ज्यादा डेवलप्ड सिटी है गुड़गांव जो है, बहुत प्यारा उन्होंने बनाया हुआ है। वहां से यार ये इंडियन एक आए हैं पाकिस्तान में और विजिट कर रहे हैं और बता रहे हैं रेट्स पाकिस्तान में और इंडिया में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। और बहुत ज़्यादा चीज़ों में उन्होंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे, खास तौर पे वो गाड़ी की उन्होंने प्राइस बताई कि यहाँ पे मतलब उनको फॉर्च्यूनर जो गाड़ी है ना अभी 32 लाख रुपए की उनको मिल जाती है। हमने कल ही अभी वीडियोस देखी थी जिसमें सेकंड हैंड अगर आप लेते हैं तो आपको 10-12 लाख रुपए की भी मिल जाती है, बहुत अच्छी फॉर्च्यूनर गाड़ी। तो यहाँ पे तो भाई 2 करोड़ के अनकरीब गाड़ी वो आती है, फॉर्च्यूनर जो गाड़ी है बहुत बड़ी होती है, बहुत अच्छी भी वो मुझे लगती है वैसे देखने में। तो ये बहुत ज़्यादा गाड़ियों की प्राइस में अगर देखा जाए ना, जो चीज़ें इंडिया खुद बनाता है उनमें तो हमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस नज़र आता है, क्योंकि जो चीज़ आप अपने घर में बनाते हो वो आपको सस्ती ही पड़नी है, जो आप दूसरों से मंगवाओगे वो महंगी पड़ेगी, उसका किराया पड़ेगा, फिर उसको लाने में क्या कुछ करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है, तो फिर आपको वो महंगी चीज़ मिल रही है। लेकिन इंडियन क्योंकि अपनी चीज़ें खुद बनाते हैं, और भाई एक इंडियन पाकिस्तान में आए तो सच्ची में मुझे दिल से इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि उनको इतनी मोहब्बत मिल रही है सुहेब भाई की जानिब से, और उन्होंने इतनी चीज़ें उन्हें ट्राई भी करवाई। और ऑलमोस्ट जो मतलब लोकल चीज़ें होती हैं ना, जैसे शकरकंदी का उन्होंने रेट बताया कि 20 रुपये की प्लेट वहाँ पर मिलती है, और गोलगप्पों की भी प्राइस उन्होंने बताई, तो वो मतलब ऑलमोस्ट सेम होती हैं चीज़ें, खाने पीने मज़ा भी भाई एक ही है। हमें तो नहीं पता क्योंकि हमने तो इतनी ज़्यादा ट्राई नहीं की, लेकिन यार क्या मज़ा आया सच्ची में, दिल खुश हो गया आज की ये वीडियो देख के ना कि यार एक इंडियन आए हैं, और वो मतलब लग ही नहीं रहा कि इंडियन है क्योंकि हमारी जैसे अपने लग रहे थे, हमारे जैसी शक्ल है, हमारे जैसा पहनावा है, सब कुछ हमारे जैसा है। तो यार मोस्ट वेलकम है आप सभी इंडियंस का हमारे पाकिस्तान में, आप आइए विजिट कीजिए हर जगह, लाहौर खास तौर पे विजिट कीजिएगा, क्योंकि भाई लाहौर हम जानते हैं, हाँ लाहौर में जगह जगह हम घूमे हुए, ये भी मार्केट ऑलमोस्ट मैंने पूरी की पूरी नया अनारकली बाजार भी देखा हुआ है और पुराना भी देखा हुआ है, लेकिन गोलगप्पे जो है ना वो मैंने शायद ट्राई करना मैं भूल गई हूँ, मुझे पता ही नहीं है, तो वो जरूर ट्राई करूंगी। अभी अम्मी को मैं बोल ही रही थी कि हम जाएंगे ना कभी, हम भी जरूर ट्राई करेंगे यार, पाकिस्तान में रहते हुए हमने नहीं ट्राई किए। तो यार सच्ची में मज़ा आ गया है, ऐसी मोहब्बतें जब वहाँ से भी मिलती हैं, हमारे रिपोर्टर गए थे वहाँ से भी मिली थी और यहाँ इंडियन आया उनको भी मिल रही है, तो बहुत अच्छा सच्ची में दिल से अच्छा लगता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर मिलता है।